नमस्कार दोस्तों, करेक्ट दृष्टि पॉइंट एंड मोटिवेशन से मैं अजय आपसे बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको ले चलता हूँ अपने अतीत की यादों में, किस तरह से अपने, क्या मेरे समकक्ष बहुत से भाई लोग होंगे, बहुत से लोग होंगे, उनको मैं उनके बीते हुए समय में ले जाना चाहता हूँ। आइए यात्रा करते हैं अपने अतीत की, अपने बीते हुए समय की। हमारे जमाने में साइकिल तीन चरणों में सीखी जाती थी। पहला चरण होता था कैंची, दूसरा चरण होता था धंडा और तीसरा चरण होता था गद्दी। तब साइकिल चलाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि तब हम साइकिल बस बाबूजी की चलाया करते थे और घर में भी केवल बाबूजी ही साइकिल चलाया करते थे। हम लोगों को साइकिलें नहीं मिला करती थी चलाने के लिए। तब साइकिल की ऊंचाई 24 इंच हुआ करती थी, जो खड़े होने पर हमारे कंधे के बराबर आती थी। ऐसी साइकिल से सीट पर चलाना मुनासिब नहीं होता था। कैंची वो कला होती थी जहां हम साइकिल के बने फ्रेम, जहां हम साइकिल के फ्रेम में बने त्रिकोण के बीच में दोनों पैरों को दोनों पैंडल पर रखकर चलाते थे। और जब हम ऐसे चलाते थे तो अपना सीना तान कर टेढ़ा होकर हैंडल के पीछे से चेहरा बाहर निकाल लेते थे और क्लिंक क्लिंक करके घंटी इसलिए बजाते थे ताकि लोग भाग देख सके कि लड़का साइकिल दौड़ा रहा है। आज की पीढ़ी इस एडवेंचर से महरूम है। उन्हें नहीं पता कि 8-10 साल की उम्र में 24 इंच की साइकिल चलाना जहाज उड़ाने जैसा होता था। हमने ना जाने कितने दफे अपने घुटने और मुंह तोड़वाए हैं, और गजब की बात यह है तब दर्द भी नहीं होता था। गिरने के बाद चारों तरफ देखकर चुपचाप खड़े हो जाते थे। अब तकनीकी ने बहुत तरक्की कर ली है, 5 साल के होते ही बच्चे साइकिल चलाने लगते हैं, वो भी बिना गिरे। 2-2 फीट की साइकिलें आ गई, मगर आज के बच्चे कभी नहीं समझ पाएंगे कि उस छोटी सी उम्र में बड़ी साइकिल पर संतुलन बनाना जीवन की पहली सीख होती थी, जिम्मेदारियों की पहली कड़ी होती थी, जहां आपको यह जिम्मेदारियां दे दी जाती थी कि आप अब गेहूं पिसाने लायक हो गए हैं। और यकीन मानिए, इस जिम्मेदारी को निभाने में खुशी भी बहुत गजब की मिलती थी। और ये भी सच है कि हमारे बाद कैंची प्रथा विलुप्त तो हो गई। हम लोग की दुनिया की आखिरी पीढ़ी है जिसने साइकिल चलाना तीन चरणों में सीखा। हम वो आखिरी पीढ़ी है जिन्होंने कई कई बार मिट्टी के घरों में बैठकर परियों और राजाओं की कहानियां सुनी, जमीन पर बैठकर खाना खाया, प्लेट में चाय पी। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिन्होंने बचपन में मोहल्ले के मैदानों में अपने दोस्तों के साथ परंपरागत खेल गिल्ली डंडा, छुपा छुपी, खो खो, कबड्डी, कंचे जैसे खेल खेले हैं। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने बल्ब की पीली रोशनी में अपना होमवर्क किया है। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने कूलर, एसी या हीटर के बिना ही अब बचपन गुजारा है। हम वो आखिरी लोग हैं जो अक्सर अपने छोटे बालों में सरसों का ज्यादा तेल लगाकर स्कूल और शादियों में जाया करते थे। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने स्याही वाली दवात या पेन से कॉपी, किताबें, कपड़े और हाथ काले नीले किए। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने टीचर्स से मार खाई है। हम वो आखिरी लोग हैं जो मोहल्ले के बुजुर्गों को दूर से देखकर नुक्कड़ से भागकर घर आ जाया करते थे। हम वो लोग हैं जिन्होंने गोदरेज सोप की गोल डिबिया से साबुन लगाकर सेब बनाई है, जिन्होंने गुड़ की चाय पी है, काफी समय तक सुबह काला या लाल दंत मंजन या सफेद टूथ पाउडर इस्तेमाल किया है। हम निश्चित ही वो आखिर लोग हैं जिन्होंने चांदनी रात में रेडियो पर बीबीसी की खबरें, विविध भारतीय, ऑल इंडिया रेडियो और विनाका जैसा प्रोग्राम सुने हैं। हम ही वो आखिरी लोग हैं जब हम शाम होते ही छत पर पानी का छिड़काव किया करते थे, उसके बाद सफेद चादरें बिछाकर सोते थे। एक स्टैंड वाला पंखा सबको हवा के लिए हुआ करता था। सुबह सूरज निकलने के बाद भी ढीठ बनकर सोए रहते थे। वो सब दौर बीत गया। चादरें अब नहीं बिछा करती। डब्बों जैसे कमरों में कूलर एसी के सामने रात होती है, दिन गुजरते हैं। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने वो खूबसूरत रिश्ते और उनकी मिठास बांटने वाले लोग देखे हैं जो लगातार कम होते चले गए। अब तो लोग जितना पढ़ लिख रहे हैं
उतना ही खुदगर्जी, बेमुरवती, अनिश्चितता, अकेलेपन व निराशा में खोते जा रहे हैं। हम ही वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की मिठास महसूस की है। हम एकमात्र वह पीढ़ी हैं जिसने अपने माँ बाप की बात भी मानी और बच्चों की भी मान रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो या आपके साथ ऐसा हुआ हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे हम कुछ दूसरे अच्छे विचारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।